हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये देखिएगा, शेफान, शेफरीना एंड शिमरा इमरान। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जरा देखिए शेफरीना को, वो क्या कर रही है। शी इज ईटिंग एप्पी फीज। तो ये देखिएगा, रात का हो रहा है 10:30। लोग जैसे कि इसके डैड जाते हैं इवनिंग वॉक पे, तो ये लोग गई वॉक पे और शिमरा का तबीयत ठीक नहीं था। इवन देन उसने आइसक्रीम लिया। ये तो शिमरा, ये कौन सा आइसक्रीम है? वोल्केनो चॉकलेट। और ये देखिए शेफान कुछ दिखाना चाहते हैं। ये किसको देना चाहते हो शेफान? किसी को नहीं, ये मेरा है पर ये अभी लिया। तो शेफान को ये किसी ने दिया है। आज ईद मिलादुन नबी है, उसमें आज शेफान ने बहुत ही मस्ती की है। आज वो ना कुर्ता पैजामा पहना और एक ईद मिलादुन नबी का बैच लगाया और बड़ा मस्ती किया है आज इन लोगों ने। हम लोगों ने चिकन पुलाव वगैरह बनाया। मैंने अपना झंडा लिया है। और हाँ, शेफान ने अपना झंडा भी लिया। और ये देखिए शेफरीना को थोड़ा आइसक्रीम मिला है और ये थोड़ा सा एप्पी फिज मिला है। तो वो खाकर अपना फेस देखिए कैसा बना के रखी। सैफरीना दिखाओ। ये देखिए कितनी छोटी सी बच्ची है, तो बड़ी क्यूट, माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। इसकी एक्टिविटी उससे ज़्यादा प्यारी है। लेकिन ये देखिए खाने में वो उसको ठंडा कितना मज़ा आ रहा है ये। लेकिन ज़रूर होता है सारे बच्चों को ना, आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, ये सब बहुत मज़ा आता है। बच्चे लोग बहुत इंजॉय से खाते हैं। और कुछ दिन पहले से हम लोग गए हुए थे मानगो मुंशी महल्ला, जहाँ शिमरा शेफान का नानी घर है। और वहाँ पर हम लोग कुछ दिन, क्योंकि अभी स्कूल का पूजा का छुट्टी मिला हो, तो हम लोग अपना टाइम स्पेंड करने गए थे। बहुत ही मस्ती किए हैं। और ये आइसक्रीम खाना सिर्फ बच्चों को नहीं, मम्मी को भी पसंद है। हाँ, ये तो मुझे भी पसंद है। इसमें शिमरा शेफान से कुछ बोलती, शेफान कम आओ। मम्मी देखिए, ये न्यू टाइप का जस्ट जेली आया है। पहले पिंक और ग्रीन ही था और अब ऑरेंज भी निकला है। ये देखिए न्यू जस्ट जेली आ गया है, आप लोग वो भी लीजिए। ये देखिएगा शेफान का खुदकना और खुदकना। और पता है इस बात पे ना, शेफान अपना एप्पी फिज लेकर आया और शिमरा अपना चॉकलेट लेकर आई। और शिमरा ने कहा, शिमरा तुमने क्या कहा था जो ये न्यू सॉन्ग लॉन्च हुआ है वो वाला, तुम बताओ। हाँ, कि माय मदर लाइक्स माय थिंग्स लाइक योर चॉकलेट आइसक्रीम, है ना, यू वांटेड टू से। और शेफान तुमने क्या कहा था? माय। तो शिमरा तुमने क्या कहा? शी इज लूजर, ही इज लूजर। तो पता है इसने कहा लूजर, तो मैंने क्या कहा? बिकॉज दोनों बच्चे तो मेरे नज़र के सामने बराबर है, तो मैंने कहा नो वन कैन बी लूजर इफ ही एंड शी। पता है सिमरा ने क्या कहा? शिमरा, बट शी लूजर। या व्हाट अबाउट शी मींस व्हाट आई से अबाउट शी, हाउ इज शी, व्हाट इज शी, व्हाट आई से अबाउट शी, बिकॉज शी इज सुपर से भी ऊपर। इस तरह से हम लोगों ने एक न्यू सॉन्ग को रिलीज किया है। शिमरा बोली, मम्मी ये वाला को ना हम लोगों ने डालना चाहिए यूट्यूब पे। पता है सब लोग इसको ना रिपीट करेंगे, सबके मुंह में आ जाएगा कि नो वन कैन बी लूजर। अगर आपको कोई बोले कि आप लूजर हो, तो आप उसे कहना नो वन कैन बी लूजर बिकॉज आई एम सुपर से भी ऊपर। हाँ, बिकॉज क्योंकि मदर की आंखों के सामने एक बच्चे हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, सभी बच्चे आंखों के तारा होते हैं, जो जैसे भी रहेंगे चमकते रहेंगे, दमकते रहेंगे। तो देखिएगा शेफान, ये तुम क्या करने वाले हो? अशफन, तुम अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहते हो? नो, कुछ तो कहो। हमने तो मेल ही चूज भूल गया। क्या? हाय। यस, बट शेफान ने हाय कर दिया ना शेफान? हाँ। ये शेफान ने हाय कहा, यू हैव फॉरगॉटन आई थिंक। और ये देखिएगा शेफरीना को देखिए, उसको ना हल्का फुल्का सा भी चुस्की जो मिल रहा है ना, तो वो एपी फिस को छोड़ नहीं रही है। और उसका बॉटल में ना, उसके लिए मैं
ऑलरेडी बना कर रखी हूँ दूध और रोटी को, मिक्सर में ग्राइंड करके रखी हूँ कि वो खाए, लेकिन वो खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। और देखिए आप ही फिर शैफान के साथ बड़ा मस्ती से खाएं। देखो आलू चड्डा, ये देखिए शैफान क्या कह रहा है, क्या है शैफान? आलू चड्डा। शैफान कुछ भी बोल देता है। पता है शैफान ने अपना न्यू टॉयज लाया। शैफान तुम्हारा एनिमल्स कहाँ गया वो तो दिखाओ। और शैफान क्या करना आज, मिल्क कंपटीशन करना है क्या? नो नो नो। क्यों? नो नो नो, क्योंकि वो हार जाएगा। नहीं, हम बहुत बार, दो बार जीते हैं, आज हम नहीं करेंगे, बहुत हो गया। सेकंड टाइम हम जीते थे। नहीं, मम्मी हम जीते थे ना। हाँ, ये तो तुम्हारे व्यूअर्स ही बता सकते हैं कि कौन जीतता है। तो दोस्तों देखिए शैफान हमारा कैसे गुस्से में आ गया है। तो आपको कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना होगा कि कौन जीता था लास्ट टाइम, क्योंकि ये लोग ना सबके सामने कंपटीशन नहीं करना चाहता है, इसलिए मैं कह रही हूँ उन्हें। तो ये लोग दूध तो पीता है, एवरीडे पीता है, लेकिन शैफान क्या है वो? कार है, ब्यूटीफुल कार। मुझे लगता है आप लोग को बताना चाहिए कि कौन जीता है और जीतने और हारने से क्या होता है। शैफान तुम इस तरह से जो फेंक रहे हो, अगर शैफरीना को लगेगा तो तुम सोचे हो इसके बारे में? ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो छोटा सा टुकड़ा इसका मैं अपनी मम्मी को खिलाने जा रही हूँ। पर फ्रेंड्स, पर मम्मी ने तो पूरा ही खा गया। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो देखिए शैफरीना का, देखो ना, देखो आलू चड्डा। शैफान तुम उसको दो ना, अभी देखो उसका रिएक्शन, देखो शैफान का, शैफरीना का, शैफरीना, शैफरीना बेटा रुको ना, अभी मुझको उसका रिएक्शन दिखाने दो ना सबको, अभी कुछ नहीं करेगा, सुना? शैफरीना, शैफरीना बेटा नहीं, शैफरीना, शैफरीना नहीं, नहीं बेटा नहीं, मुंह में नहीं, शैफरीना मुंह में नहीं, शैफरीना आ आ, मुंह में नहीं बेटा। ये देखो, ये देखिए अभी इसका रिएक्शन देखिए, अभी पता नहीं सो क्या हो रहा है, तो वो जैसे भी कुछ लेती है। बाबू मुंह में नहीं, नहीं मुंह में नहीं बेटा, नो, पता ये इतना अच्छा एक्सप्रेशन देती ना, नहीं नहीं मम्मा नहीं नहीं। ये देखिए, ये देखिए नहीं, ये मुंह में देखिए शैफरीना कैसे पिलाने जा रही है। शैफी मेरे को ये देखिए उल्टा हो चाहे सीधा हो, लेकिन वो कैसे भी डाल देगी अपने। शैफान तुम कहाँ जा रहे हो? डोंट गो। शैफान ठीक है, तो तुम आइए, आपको हम शैफान का पेट कैट से मिलाते हैं आज, ठीक है? आया था डाइनिंग के नीचे, बैठी होगी, सोचा कि बिल्ली, लेकिन बिल्ली भाग गई है। वो एक्चुअली इस एरिया में आकर बैठती है और जो भी उसको मिलता है जूठा पड़ा हुआ खाने के लिए वो खाती पीती है, और चूहा का इंतज़ार भी करती है, क्योंकि वो चूहा सफान तुम बताओ कि बिल्ली को क्या मिला था? बिल्ली को हाथी मिला था। और वो तुमको दादी ने क्या कहा था? वो दादी ने किया, इधर आके बोलो ना, दादी ने किया बोला था। और मैं आपको इतना मोटा चूहा का खून चूस के भाग गई और खून चूहा को छोड़ दी। तो ये तो अच्छा हुआ ना बेटा, हमारे घर के लिए अच्छा हुआ है ना, हाँ शैफान? हाँ। क्योंकि हमारे घर में जहाँ तहाँ से वो दुकान वुकान से चूहा आ ही जाता है, राशन की दुकान से वो आ ही जाता है, इस वजह से हम लोग बहुत इरिटेट होते हैं। और हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे घर में रोज़ एक बिल्ली आकर बैठती है चूहा के इंतज़ार में, और वो बहुत जिस तरह से हम लोग, वो हमारी है, हम दोनों की है, तो वो हमारे घर की बिल्ली हो गई है, क्योंकि हम लोग किसी का जान नहीं ले सकते, लेकिन हाँ अगर वो किसी का भोजन बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि पेट तो भरना है, सबका सवाब होता है। अब जिस तरह से हमारा पेट भर है उसी तरह से बिल्ली का भी पेट भरने का ख्याल हमें रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ अपना मिल्क का कप।
क्यों मैंने लियो है मामा। तो आई थिंक दिस इज अ ओल्ड कप, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ न्यू कप।